This video is sponsored by KW Delhi 6. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सानी है। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो रीडर हूँ, हीलर हूँ और एक लाइफ कोच। आज की इस सीरीज में मैं वास्तु के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पिंकिश फाउंडेशन और पिंक टॉक का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये टॉक बन पाई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वास्तु के बारे में आप क्या सोचते हैं? किसी से सुना होगा, किसी से एक्सपीरियंस किया होगा, वास्तु है, वास्तु नहीं है। क्या है वास्तु? इसको बहुत सिंपल और बेसिक तरीके से हम समझना चाहेंगे। वास्तु हमें देवों की मिली हुई वो वाणी है जिसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। वास्तु यानी विद्या, जो भी विजडम नॉलेज हमें वेदों से मिलता है उसको हम विद्या कहते हैं। और जो भी एजुकेशन हमने मैन मेड ने बनाई है, यानी कि हमने खुद क्रिएट कर ली है, जैसे कि कंप्यूटर एक एजुकेशन, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं वेदों के अंदर लिखा हुआ जो भी विजडम है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे उत्थान के लिए। वास्तु भी वही विद्या है जो हमें बिल्डिंग्स के बारे में, किस तरह से हमें बिल्डिंग्स को बनाना चाहिए, किस तरह से हमें किस दिशा में क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान देती है। तो ये तो हुई वास्तु की बात, किसके कहां से वास्तु आया उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। अब मैं अपनी इस सीरीज में सबसे पहले दरवाजे से शुरू करना चाहती हूँ, मेन डोर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई आप हेल्थ चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। इसी तरह से, क्योंकि हमारे मुंह में हम जो भी डालेंगे, अगर वो हेल्दी होगा तो हमारा शरीर हेल्दी बनेगा, अगर वो अनहेल्दी होगा तो हम बीमार रहेंगे, वी विल बी डिजीज्ड। वही काम एक घर में दरवाजा, जो कि मेन डोर है, वही करता है। मेन डोर का मतलब है हमारे घर का मुंह। अगर वहां से पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ रही है तो हमारे पूरे घर में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, पीस, एवरीथिंग विल बी देयर। अगर वो अनहेल्दी एनर्जीज आ रही है तो हमारे घर के अंदर में इसके उल्टा हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो कैसे हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी है या किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी दरवाजे के द्वारा आए, इसके बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी द्वार वेद। द्वार वेद मीन्स अगर हमारे घर के सामने कोई ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में एनर्जी के उस फ्लो को रोक रही है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। मान के चलिए, अगर हमारे घर के आगे कोई पेड़ है, कोई खंबा है या बीम है, तो आप देखेंगे घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो बीमार रहेंगी, चिड़चिड़े रहेंगी। अगर सीढ़ियां हैं तो घर के अंदर में एक उदासी भरा माहौल होगा। अगर कोई गड्ढा है, कोई फुवारा है, तो खासतौर पे अगर कोई फाउंटेन है, फुवारा है, कोई वाटर बॉडी है घर के सामने, तो आप ये देखेंगे घर का जो पैसा है वो ड्रेन होता चला जा रहा है। तो ये इस तरह की कोई भी चीजें, इनको हम बोलते हैं वास्तु में द्वार वेद। इस तरह का कोई भी वेद हमारे घर के सामने नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, अगर बाय चांस है तो उसकी बहुत छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर बड़ा सा शीशा लगाएं, एक ऐसा शीशा जिसके अंदर उस वेद का, यानी कि उस ब्लॉक की रिफ्लेक्शन आए। अगर वो रिफ्लेक्शन उसमें आए तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा मिरर को, और उसकी जो एनर्जी हो वो वापस चली जाएगी, हमारे घर के अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? Please visit at site and grab the scheme benefits. Offer for limited period. Go and read our project highlights. आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे घरों के आगे या किसी बिजनेस प्रतिष्ठान के आगे आपने देखा होगा नींबू और मिर्ची लगाई जाती है। कभी आपने सोचा इसका क्या मतलब है? क्या ये सच है, मिथ है, सुपरस्टिशन है?
इसका सच क्या है दोस्तों? मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात आपसे कहूँ। जीवन जो है द्वैत में काम करता है, रात दिन, सुख दुख, अच्छा बुरा, लक्ष्मी उसके साथ आती है, अलक्ष्मी। लक्ष्मी आपने देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी अकेली नहीं आती है। जब भी लक्ष्मी आती है उसके साथ अभिमान, अहंकार, इस तरह के नेगेटिव एनर्जीज भी आती है और आपके बिहेवियर में वो चेंज पैदा करती है, जिसको हम कहते हैं अलक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आप देखिए, जब भी हमें लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है तो हम उसको मीठा ऑफर करते हैं, खीर बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। इसी तरह से जो अलक्ष्मी है उनको खट्टा और तीखा पसंद है, हमें उनकी प्रसन्नता के लिए नींबू और मिर्ची घर के आगे, घर के सामने, दरवाजे के सामने लगाते हैं, जिससे वो आए तो हम उनका भोग लगाएं, हम उनको भी ऑफर करें। हमारे धर्म की में हम हर चीज को हम ऑफर करते हैं, सबको एक ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो जब भी वो आए हम उनका भी धन्यवाद करें, उनको हम नींबू और मिर्ची ऑफर करें, लेकिन हम उनको घर के बाहर ही रखें, उनको बोले धन्यवाद, अब आप यहाँ से लौट जाएं। इसलिए हम नींबू और मिर्ची घर के बाहर लगाते हैं और मीठे का भोग घर के अंदर मंदिर में लक्ष्मी जी को लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्शन की ही बात को मैं आगे लेके जाऊंगी। आपने देखा होगा कि कई बार हम महसूस करते हैं कि घर में कोई नजर लग रही है, सडनली किसी के आने से घर के अंदर का माहौल बदल जाता है। हम उस नजर को कैसे हटा सकते हैं? इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले के जमाने में एक परिपाटी बनाई जाती थी, दहलीज बनाई जाती थी, जो चौखट के नीचे लगभग 2.5 से 3 इंच ऊंची एक छोटी सी दीवार क्रिएट की जाती थी, जिसको हम दहलीज कहते हैं। आज वो दहलीज नहीं है दोस्तों, हम फ्लैट्स में रहते हैं और इसका चलन खत्म हो गया है। लेकिन वो दहलीज का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि जो हमारे घर के अंदर एंटर होने वाली नेगेटिव एनर्जी है, हम उसको वहीं रोकते। तो दोस्तों हम आज उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसका एक दूसरा सिंपल तरीका ये है, आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर में एक हल्दी की दहलीज बनाए और सुबह या शाम के वक्त, ज्यादा अच्छा होगा आप शाम के वक्त बनाएं, उस दहलीज को बनाएं, जिससे कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने से रुक जाए। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिससे घर के अंदर हम प्रोटेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने अपने घर को शील्ड कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, अब हम अपने घर की एनर्जी को इंक्रीज कैसे करें? उसके लिए आप एक बहुत छोटा सा काम फिर से कर सकते हैं, इसको मैं दोबारा अपने सिस्टम के साथ जोड़ूंगी। आपने देखा होगा पहले महिलाएं स्वास्तिक बनाया करती थी दरवाजे के आगे, दोनों दरवाजों के चौखट पर आप देखेंगे वो रोली और चंदन, रोली कुमकुम चंदन, इस तरह की शुभ चीजों से स्वास्तिक के निशान बनाया करती थी, सिंबल्स बनाती थी। दोस्तों स्वास्तिक में अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो आज हमारा वो चलन भी बंद हो गया है, तो अगर आप चाहें तो उसको अपने घर के आगे बना सकते हैं। रोली से और चावल से हम स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप बने बनाए मार्केट के अंदर में आप देखिए त्रिशक्ति बना हुआ रेडी में मिलता है, जिसके ऊपर त्रिशूल बना होता है, बीच में ओम है और बिल्कुल लास्ट में स्वास्तिक बना होता है, इसको हम त्रिशक्ति कहते हैं। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वो हमेशा पैर में काम करता है। आप एक पैर लाइए और उसको दोनों अपने दरवाजे की दोनों साइड पर ही लकड़ी चौखट के ऊपर लगा दीजिए, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी शील्ड क्रिएट करेगा और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी भी लेकर के आएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना हम अपने घर के अंदर अपने दरवाजे पर किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करें, किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को हम स्टॉप करें और हम अपने घर के मुंह को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस टॉक में यही तक, शेष फिर एक बार फिर पिंकिश फाउंडेशन का धन्यवाद। All the audience who are listening to this talk, I bless them all. I wish them all the very best in their lives.
मे एनर्जी ऑफ वास्तु क्रिएट प्रॉस्पेरिटी लव हैप्पीनेस एंड पीस इन देयर लाइव्स. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010 9088888. Thank you.